नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और एनसीपी महासचिव रहे डीके त्रिपाठी का निधन हो गया है। उनके निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है और एनसीपी के स्थापना काल से ही डीके त्रिपाठी एनसीपी से जुड़े हुए थे। वे पहले कांग्रेस से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद वे एनसीपी में आए थे सोनिया गांधी का विरोध करते हुए। और डीके त्रिपाठी के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि डीके त्रिपाठी लंबे वक्त से बीमार थे और 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। यूपी के सुल्तानपुर में उनका जन्म हुआ था और जैसा कि मैंने पहले बताया, एनसीपी के महासचिव रहे थे और उनके निधन के बाद सुप्रिया सुले जो एनसीपी नेत्री हैं और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सुपुत्री हैं, सुप्रिया सुले ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। वे एनसीपी के महासचिव थे, मार्गदर्शक और संरक्षक थे हमारे, और हम उनके परामर्श और मार्गदर्शन को हमेशा याद करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दुखद खबर है कि एनसीपी के महासचिव, पूर्व सांसद डीके त्रिपाठी का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है और एनसीपी नेत्री सुप्रिया सुले ने भी उनके निधन पर दुख जताया है और यह कहा है कि वे हम पार्टी के महासचिव थे, हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे परामर्शी थे और हम उनके मार्गदर्शन और परामर्श को हमेशा याद करेंगे। लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर डीके त्रिपाठी का निधन हो गया। देश के कद्दावर नेताओं में जाने जाते थे और एनसीपी के तो कद्दावर नेता थे ही। इस खबर में इतना ही।